हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं सेवई उपमा। इसके लिए मैंने एक कप ये भुनी हुई सेवई ली है, ये मोटी वाली सेवई है। थोड़ी मूंगफली, गाजर, मटर, एक आलू कटिंग की देखिए छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, एक प्याज, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। अब हम पहले क्या करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे और मूंगफली को तो जो है थोड़ा सा एक दो मिनट खाली इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। डालेंगे पानी, तो पानी का मेजरमेंट जो है हमने 2 कप पानी डाला है, यानी अगर आपने 1 कप सेवई लिए तो उसका डबल पानी डालिए। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। और अब हमने जो आलू और मूंगफली जो सबसे पहले जो है जिनको फ्राई करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। गैस का फ्लेम आप थोड़ा सा मीडियम हाई रखिए और थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल दीजिए। 7 मिनट हो गए हैं तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया खिली खिली बनी है ये हमारी सेवई उपमा, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे 1/2 चम्मच घी। तो ये देखिए हमारा सेवई उपमा एकदम तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और ऊपर से इसमें डाल दीजिए धनिया पत्ती, जिससे ये देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।